आज का सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। आज हम क्या सीखने वाले हैं? ईटिंग हेल्दी, मतलब अच्छा स्वस्थ रहने के लिए, अच्छे आरोग्य के लिए हमें क्या खाना खाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है देखो, राइट फूड मेक अस हेल्दी फिट एंड स्ट्रांग। अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं तो हम क्या होंगे, एकदम तंदुरुस्त शरीर होगा हमारा, एकदम हेल्दी। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, सारी सब्जियां खानी चाहिए, एंड फ्रूट्स खाने चाहिए, फल भी खाने चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर के विकास के लिए, अच्छी डेवलपमेंट होने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, बाय फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। हम जब भी मार्केट जाते हैं मम्मी के साथ, तो हम क्या लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स लेते हैं, अच्छे वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ईट होम मेड फूड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें घर पे बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, रोज रोज मैगी बर्गर ये सब नहीं खाना है। ठीक है, जंक फूड मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बर्गर, पास्ता, मैगी, ये सब क्या है, जंक फूड। बैलेंस मील शुड इंक्लूड, अच्छे खाने में क्या क्या आता है देखो, रोटी या चपाती बोलते हैं ना लोग, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल एंड राइस। हम लोग क्या क्या खाते हैं, दाल, चावल, वेजिटेबल, है ना, ये सब क्या है, अच्छा फूड है जिसमें सब आना चाहिए। सारी दालें आनी चाहिए, राइस आना चाहिए, फिर रोटी आनी चाहिए गेहूं बाजरे की। ठीक है, ये सब क्या है, बैलेंस डाइट। ईट फ्रूट्स, हमें फल भी खाने चाहिए, एग्स, अंडे खाने चाहिए, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल में क्या क्या आता है, पालक की सब्जी आती है, मेथी की सब्जी आती है, वो सब हमें खाना चाहिए। उनको धोने के बाद ही हमें यूज करना है। ठीक है, फ्रूट्स को वॉश करके ही खाना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प्स इन अवॉइडिंग हेल्थ प्रॉब्लम। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। अगर हम अच्छे से खाना खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, हम अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ओके, ज्योति मदर प्रिपेयर अ बैलेंस मील फॉर द फैमिली एवरी डे। ज्योति की मम्मा क्या बनाती है, बैलेंस मील, मतलब अच्छे से खाना बनाती है पूरे फैमिली मेंबर के लिए। हमारी मम्मी भी बनाती है ना रोज हमारे लिए, तो क्या क्या होता है हमारे मील में, दे हैव देयर डिनर टुगेदर। हम सब साथ में फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं, राइट, यस। तो क्या क्या होना चाहिए अच्छे बैलेंस मील में, देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइस हम लोग खाते हैं ना, चावल, उसके बाद वेजिटेबल जो भी सब्जी बनी है वो, फिर दाल, फिर स्वीट डिश, कोई भी स्वीट डिश, अच्छा मीठा खाना होता है ना कुछ भी, हम लोग थोड़ा सा खाते हैं आफ्टर हैविंग मील, फिर पापड़ एंड रोटी। ठीक है, इसको ये सब मिला के क्या होता है, बैलेंस मील। तो आपको रोज ऐसे हमारी फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से बैलेंस मील लेना है, वेजिटेबल फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, अभी आपको नोटबुक में क्या लिखना है देखो स्टूडेंट्स, को स्पेलिंग्स लिखना है। फर्स्ट है RICE, राइस, उसके बाद दाल, DAL, दाल, एंड ROTI, रोटी, बोलो रोटी, एंड पापड़, PAPAD। ठीक है, ये सब स्पेलिंग आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स,